पहाड़ी नाला में अचानक बाढ़ आने से 6 लोगों को बहे बालक समेत 4 शव बरामद। सोनभद्र कौन थाना के चक्रिया पुलिस चौकी क्षेत्र के बैतरा नाले में शुक्रवार की शाम बारिश के बाद अचानक से तेज बहाव के चलते लकड़ी काटने गए 6 लोग बह गए। क्षेत्र में मची हड़कंप। आज शनिवार की सुबह एक बालक समेत 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 2 लोगों की तलाश जारी है। पुलिस को सुबह मामले की जानकारी हुई। ग्राम पंचायत बैजनाथ के कई टोले के जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे। इसी दौरान शुक्रवार शाम को अचानक तेज आई बारिश से बचने के लिए सभी लोग बैथरी नाले में एक पत्थर की आड़ में बैठ गए। इसी बीच नाले में तेज बहाव से आए पानी में 6 लोग बह गए। रात हो जाने के चलते इसकी जानकारी किसी को नहीं हुई। सभी लोग घर नहीं गए तो परिजन खोजबीन करने लगे। इसी बीच मामले की जानकारी सुबह पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने 40 वर्षीय राजकुमारी पत्नी विनोद विश्वकर्मा, 32 वर्ष अनिता पत्नी रमेश अगरिया, 10 वर्ष राजपति पुत्र रमेश अगरिया निवासी गरवान हुए, 22 वर्षीय हीरावती देवी पत्नी राम विकास अगरिया निवासी चक्रिया थाना कोन साव आज शनिवार की सुबह बरामद कर लिया गया है, जबकि 35 वर्षीय संतरा देवी पत्नी अमरनाथ अगरिया निवासी गढ़वाल व 12 वर्षीय विमलेश पुत्र छोटेलाल लापता है। खोजबीन जारी है। सोनभद्र से अनिल अग्रहनी की रिपोर्ट। यहाँ से 4 महिलाएं और 2 बच्चे थे जो कि लकड़ी या बीनने के इसी आशय से आए थे पहाड़ियों पर, और जब तेज बारिश होने लगी और ओलावृष्टि होने लगी तो उसमें वो उन्होंने छिपने की कोशिश करी, और जो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो पानी पहाड़ियों से इकट्ठा होकर वो बहाव के साथ आया और बहाव के साथ इनको भी बहकर बहाकर ले आया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। आज 4 बॉडियाँ मिल गई थी सुबह, एक बच्चे की बॉडी अभी मिली है, एक अभी भी खोज जारी है, बॉडी नहीं मिली है। ये संतरा देवी वाइफ ऑफ अमरनाथ, अभी इनकी बॉडी नहीं मिली है। बॉडियाँ जो मिल गई उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है।